दोस्तों भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए अब कई बड़ी भारतीय कंपनियां इस मैदान में उतर रही हैं। जहां अभी तक हमने देखा कि इसमें सिर्फ ऑटोमोटिव कंपनियां जैसे टाटा, अशोक लेलैंड ही पार्टिसिपेट कर रही थी, वहीं भी इसमें अडानी ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी कंपनियां भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुकी हैं। जहां इंटरेस्टिंग अपडेट ये निकल के आ रही है कि अडानी ग्रुप ने फ्रांस की कंपनी जिसका नाम है टोटल एनर्जीज एसी, इसके साथ में एक ज्वाइंट वेंचर साइन कर लिया है और वो भारत के अंदर अब बहुत बड़े इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करेंगे, जहां पर उन्होंने अपना पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी लॉन्च कर दिया है और वो भी भारत के सबसे बड़े प्राइवेट सीएनजी प्लेयर्स के साथ। वही जानकारी के लिए आपको बता दें कि इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 5 से भी ज्यादा बैटरी मैन्युफैक्चर और ई मोबिलिटी मैन्युफैक्चर करने वाली विदेशी कंपनियों को भी एक्वायर कर लिया है। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में लगभग 15 बिलियन US डॉलर का निवेश करके कई नए ई मोबिलिटी प्रोजेक्ट पर काम करेगी। बात करें अडानी ग्रुप के इस नए डील के बारे में, सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए अहमदाबाद ATGL के CNG स्टेशन पर अपना पहला चार्जिंग स्टेशन लॉन्च किया है अडानी ग्रुप एंड टोटल एनर्जीज लिमिटेड ने। वहीं रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ये जो चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है नॉर्मल चार्जिंग स्टेशन, इसी के साथ में फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी को भी सपोर्ट करता है और यहाँ पर सारी फैसिलिटी बिल्कुल डिजिटल की गई है। जानकारी क्लब को बता दें कि जिस प्राइवेट प्लेयर के साथ इसको लॉन्च किया गया है ATGL, वो भारत की सबसे बड़ी CNG और पाइप कुकिंग गैस डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है और कंपनी का बिजनेस पूरे ओवरऑल इंडिया में फैला हुआ है, तो कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी चार्जिंग स्टेशन को लॉन्च करने के लिए। वहीं दोनों कंपनियों ने बयान में कहा कि उनका लक्ष्य है कि देश भर के अंदर 1500 ईवी चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करना है और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी का यह टारगेट सिर्फ एक साल के अंदर कंप्लीट किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल की मांग बढ़ रही है उसी रेट से चार्जिंग स्टेशन को बनाना भी जरूरी है। सो भारतीय कंपनी अडानी ग्रुप और फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जीज लिमिटेड के बीच में हुए ज्वाइंट वेंचर के बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।